कल करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्रीज रह गई थी, तो जगह छोड़ी हुई है। पहले साल में आए आ जाएं, कुछ नहीं होता, जनरल एंट्रीज की जगह छोड़ी हुई है। पहली जनरल एंट्री करें करंट टैक्स की, करंट टैक्स की वर्किंग देख के। पहले साल 30 जून 2011, सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। अगर घर में कर ली एंट्रीज तो बहुत ही अच्छी बात है, घर वाले सोने से पहले कहते हैं बेटा एंट्रीज करके सोना। सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट कितना पहले साल 60। करें एंट्रीज अगर आ गए हैं तो कर ले सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट। दूसरी एंट्री 30 जून 2011 को होगी डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि पहले साल आपको पता है डीटी का बैलेंसिंग बैलेंस जीरो आ रहा था, इसलिए 30 जून 2011 को डेफर टैक्स अकाउंट के अंदर बैलेंसिंग जीरो आ रहा था। डेफर टैक्स अकाउंट खोल के देखें कल वाला। ओके, ये मैं सारी डिस्कशन कर रहा हूँ एज्यूमिंग कि आपके पास कल वाली करंट टैक्स की वर्किंग व्हाइट बोर्ड के इस साइड वाली और उधर वाली डेफर टैक्स वर्किंग आपके सामने है। अच्छा, अगली एंट्री 30 जून 2012 पे सी टी डेबिट सी टी पी क्रेडिट 66। जहां जहां जगह छोड़ी थी एंट्री करते रहे, घर में टाइम नहीं मिला होगा ना, बिजी होते। अच्छा, दूसरे साल डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट या लाइबिलिटी डेबिट एक्स, हाँ दूसरे साल एंट्री डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट। एसेट जो डेफर टैक्स अकाउंट में एसेट आ रहा था उसकी एंट्री नहीं करनी, वो तो ऊपर ही कर दी थी। आज एंट्री रिवाइज करेंगे, अभी करते हैं रिवाइज। ओके, डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट कितने से 6 से। नेक्स्ट सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट 30 जून 2013 कितने से 81। नेक्स्ट डीटीई डेबिट डीटीएल क्रेडिट या डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट, डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट कितने से 21 से। जी आखिरी साल सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, टेस्ट शुरू दीजिएगा आज का। और आखिरी एंट्री डीटी डेबिट डीटीएल क्रेडिट 12 से। हो सकता है आपके साथ वाले के नंबर बताए जाएं क्लास में। बांटो भाई सफे। इस रो में भी दे दो, सेकंड रो में वो पिछली रो से ले लें। जी आज का सवाल भाई सफा और दे दो, आज का सवाल पढ़ें लास्ट रो में। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑन 1 जनवरी 2017 1,20,000,
डेप्रिसिएशन 6 years टू अनिल रेजिडुअल वैल्यू, डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एज फॉलोस, 31/12/17, 31/12/18. द कंपनीज पॉलिसी इज टू ट्रांसफर द रियलाइज पोर्शन ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स, देर इज नो चेंज इन लाइफ, यानी 6 साल है 6 साल ही रही, टैक्स अथॉरिटी इज अलाउड डिप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years, वो 6 साल पर डिडक्शन अलाउ करते हैं, टैक्स रेट इज 30%, टैक्स का रेट 30% है. ओके, पीबीटी इज ₹1 lakh फॉर ऑल द ईयर्स. चेंज कर दें. अच्छा, आखिरी दो कॉलम्स की जगह छोड़ दीजिएगा फिलहाल, आखिरी दो कॉलम्स बनाए बगैर मैं वर्किंग कर रहा हूं. आखिरी दो कॉलम फिलहाल छोड़ दीजिएगा, डेट जी रुपीज इन 1000 में सवाल कर रहा हूं मैं. आपने रुपीज में शुरू करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं, खुद ही कुल्हाड़ा मारा है. ओके, ₹120, आदत पड़ी हुई है पक्की, जैसे गुड़ती में नहीं किसी ने खिलाया होता कि भाई रुपीज वाली फिगर ही लिखनी है. ओके, 31/12/17 डेप्रिसिएशन. अच्छा भाई, पहले पूरा साल इस्तेमाल होगा फिर रिवैल्यू होगा, ये रेंट पे रिवैल्यूएशन है ना आज, दूसरे साल के पहले दिन रिवैल्यूएशन हो रही है या बॉल पॉइंट ढूंढने वाले भाई, पहले साल के आखिरी दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, पहले साल के आखिरी दिन रिवैल्यूएशन हो रही है जी. डेप्रिसिएशन 120 डिवाइडेड बाय 6 आजकल कितना आ रहा है, 20. इकतीस बारह सत्रह बीवी ₹100. ओके, नेक्स्ट जी, हमारा साल खत्म तो हुआ लेकिन हमने वैल्यूअर से वैल्यू करवा लिया पहले साल के आखिरी दिन. 31/12/17 रीवैल्यूड अमाउंट जी कितनी, 200. सो उठ इधर देख, सो वाला एसेट 200 पे चला गया तो कितना सरप्लस आया लेट आने वाले भाई, 100 रुपया लेट आने वाले भाई, 100 रुपया सरप्लस आया. अल्लाह जल्दी आने की तौफीक दे भाई, ये 6 दिन आगे और रह गए, आपने हिम्मत से गुजारने, फिर इंशाल्लाह खुशी की खबर आने वाली है. 6 वर्किंग डेज. सबके अपने अपने काउंटडाउन. ओके जी, 100 वाले असर को किस पे लेके जाने, 200 पे. मिठाइयां बांटी जा रही होंगी मंगल की सुबह, मोहल्ले में वादे लग रही होंगी. FR1 भी पास हो गया, BM भी पास. अच्छा जी, FR2 भी पास. अच्छा जी, बैलेंसिंग आ गया. सो
इसको सरप्लस में ले जाए। इतनी मिठाइयों, मोहल्ले वाले परेशान हो गए होंगे, बच्चे का सीए हो गया। नहीं नहीं अभी सीए हुआ नहीं, हो रहा है। ओके देंगे बकरी होंगी, शाम तक तो देंगे बकरी होंगी, मोहल्ले में बांटी जा रही होंगी। क्या हुआ अभी, बच्चे का F1 पास हो गया अभी माशाल्लाह। 2017 का साल मुकम्मल हुआ, 2017 का साल मुकम्मल हुआ। ओके FSC के कल्चर से जो बच्चा आता है उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि पेपर रहने का भी कोई तसव्वुर है, और इसी तसव्वुर को मेंटेन करते हुए सीए इंटर में सारे पेपर उसके निकलते भी रहते हैं। जो सोचता ही ये है कि अच्छा जी ना, यानी अजीब लोग हैं ना, हर पेपर में हर सवाल अदा भी नहीं कर सकते। अजीब लोग हैं इस दुनिया में, हर पेपर में हर सवाल अदा भी नहीं कर सकते। चलें जी 31/12/17 साल खत्म हुआ, एसेट पहले डेप्रिशिएट हुआ बाद में रिवैल्यू हुआ, पहले डेप्रिशिएट हुआ बाद में रिवैल्यू हुआ, पहला साल खत्म हुआ। दूसरा साल जी भाई कितने साल डेप्रिशन हो चुकी है, एक साल। अब रिमेनिंग लाइफ 6 साल रह जाएगी, 5 साल। अब बताएं अगले साल पहले डेप्रिशिएट करूं या रिवैल्यू, डेप्रिशिएट। ओके 31/12/17 की डेट डालने की जरूरत नहीं है, सॉरी 1 जनवरी 2018 की डेट डालने की जरूरत नहीं है। नथिंग हैपेंड ऑन 1 जनवरी 2018, रादर अ थिंग हैपेंड ऑन 31/12/18, दैट इज वी यूज द एसेट फॉर 1 ईयर डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट द एसेट, अस्सलाम वालेकुम जी, आया नू भाई, लेट आया नू, मोहतरम बताया नू जी। 200 को कितने सालों में खत्म करना है, 5 सालों में, और 100 को भी 5 सालों में। जी बोले 40 किधर गया, एंट्रीज कराई थी भाई से, भाई बड़ा तेज है तो उधर बैठ गया, एंट्रीज करानी है आज भी जी। 100/5 20। ओके 31/12/18 WDV 160 80 ओके 31/12/18 को ना आप ऐसा करें, 31/12/18 को क्या रही है मार्केट वैल्यू, मैंने नहीं कहा था एंड तक खुद ही कंप्लीट कर लें। 31/12/18 को क्या आ रही है मार्केट वैल्यू, 60, इसे 50 कर लें। असल में बहुत सारी फिगर्स मिलती हुई नजर आएंगी, मिलती जुलती फिर वो अच्छा नहीं लगता सवाल, तो 60,000 को 50,000 कर लें। आप पहले ही कराची पहुंचे हुए थे। ओके मैं इधर बहुत सी फिगर्स मिलती जुलती नजर आएंगी, ज्यादा फिगर्स मिलती जुलती नजर आए तो पता नहीं चलता, जुड़वा बच्चे हों तो वालदेन कई दफा परेशान हो जाते हैं। ए असलम है, अकरम है, असलम असलम बोलते हैं अबू, मैं असलम, अच्छा तू असलम। अफसोस आज की औलाद कहती है, आप लोगों की बात नहीं करा, अबू आपको नहीं पता, अम्मी आपको नहीं पता, अम्मी मैं बताता हूं, आपको क्या पता, नहीं नहीं वो आप लोगों की बात नहीं है ये। अच्छा जी रिवैल्यूड अमाउंट बोले कितनी, 60 है सवाल में, मैंने इसको काट के 50 करवा दिए जी। आप सारे टेंटे भरे, कितनी मार्केट वैल्यू, कितनी बुक वैल्यू थी, 160, इसको हम किस पे ले गए हैं, 50 पे, 160 वाली को 50 पे ले गए, कितना नुकसान आ रहा है, इसका नाम रिवैल्यूएशन लॉस। बैलेंसिंग हाउ मच,
ब्लैक मार्कर मंगवा दें। हाउ मच? 110। क्या पहले से कोई सरप्लस आ रहा है? 110 को भूख लगी हुई है, 110 ने नाश्ता किया हुआ है? किया हुआ है। अजीब लोग बैठे हुए, 110 ने नाश्ता किया हुआ है? नहीं किया हुआ। अस्सी को खाए, भूख लगी है इसे भी, और भूख लगी है। 80 को खा के इसका पेट नहीं भरा। ओके, एंट्रीज बताएं। ऐसा करें, एंट्रीज लिख ले, लेकिन एक अजम्पशन लेनी है। टैक्स रेट दिया हुआ है, दिया हुआ है। एक अजम्पशन लेनी है कि टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, ठीक है? बड़ी सी अजम्पशन लें, अज्यूमिंग टैक्स रेट इज नॉट गिवन। जल्द एंट्रीज लिखें जी। Assuming tax rate is not given, assume करें tax rate नहीं दिया हुआ। जल्द एंट्री लिखना शुरू करें जी। Assuming tax rate is not given, अच्छा दो कॉलम आपने छोड़ दिए हैं, ठीक है? अगर tax rate ना दिया होता, assuming we are sitting in FR1 class, close the eyes, think of FR1 teacher and you are there, okay, start। ये कम January 17, as a debit कैश क्रेडिट 120 रुपए, 120 रुपए लेदर लाइट, ओके। 31/12/17 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मेरे भाई, डेप्रिसिएशन में क्या कोई ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी है? क्यों पहले दफा डेप्रिशिएट हो रहा है? कोई कोई रिवेल्यूशन की डेप्रिसिएशन नहीं है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन के साथ जो अगली एंट्री होती थी वो मैंने आपको एक जहन बनाया था परसों। रिवेल्यूशन की भी दो एंट्रीज होती है, डेप्रिसिएशन की भी दो एंट्रीज होती है। रिवेल्यूशन की हमेशा दो एंट्रीज होती है, डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज तब होंगी जब डेप्रिसिएशन में कोई ज्यादा डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। अभी तो ये आम हालात वाली डेप्रिसिएशन है 20, इसलिए इसमें कोई ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी। इससे डेप्रिसिएशन के आगे जो एंट्री थी सरप्लस डेबिटेड, वो एंट्री इसलिए नहीं करनी, सरप्लस कोई पड़ा ही नहीं हुआ। ओके, ऐसे डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब ऐसे रिवेल्यूशन मांग रहा है, ऐसे कहते हैं मुझे आसमानों में ले जाओ, टेक मी टू स्काईज, आई वॉन्ट टू गो ऑन स्काईज, मैं स्काईज में जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू फ्लाई। ठहर जाओ, वार्म अप करें। इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन स्काईज यू नीड टू वार्म अप योर सेल्फ। चलें जी, वार्म अप करने की एंट्री, हाँ डेट डालें 31/12/17 की। जब भी रिवेल्यू करना है उससे पहले वार्म अप करना है। अकोमोडेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। इकतीस बारह सत्रह अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट। नाउ इट इज वार्म्ड अप, now it's time to revaluate, take it to skies, take it to heavens, asset debit surplus credit। बड़े fresh mood में आए हैं आज आप लोग। asset debit surplus credit, पूरी planning करके आज का homework आज कर लेंगे, कल फिर सारा IS 12 revise करेंगे। that's the जज्बा।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं होता है जाके साथ वाला पैदा। ये बड़े जमाने बाद ऐसे लोग आते हैं जिंदगी में। ओके, देखिए कोई बंदा किसी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। साथ वाला नहीं आया तो आपके चलो मैं फलां के साथ बैठ जाऊं, नो नॉट एट ऑल। तो हर बंदा अपने अंदर ही एक समंदर है। ओके, नाउ वी आर सिटिंग इन 2018। 18 में एसर क्या मांगता है भाई, तू बातें कर ली। अच्छा कहते हैं सर। अच्छा 18 में एसर क्या मांगता है पहले, फिर क्या मांगते हैं? पहले डेफिनेशन करें, लेकिन डेफिनेशन में एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी पड़ी है, तो डेफिनेशन की दो एंट्रीज होंगी। ठीक है, अब ये देख लें तरतीब से। डेफिनेशन पहले मांग रहे और क्योंकि डेफिनेशन में एक्स्ट्रा डेफिनेशन पड़ी है तो ये वाली एंट्री भी होगी। करें जी 31/12/18 की डेट डाल के तरतीब से चला करें, बस 31/12/18 डेप्रिसिएशन डिविजन 40 एंट्री करें। 31/12/18 डेफिनेशन डेबिट अकाउंट डेफिनेशन क्रेडिट। आई होप कि 2018 का डब्बा डाल के बड़ा सा आपने बॉक्स लगा लिया होगा। अल्लाह अकबर। चलें जी 40 के आम हालात में कितनी डेफिनेशन आती है? वी हुण किन्नी आई? 40। ज्यादा किन्नी? वी की एंट्री बताएं। रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। व्हाट आर यू थिंकिंग एट? ओके, रामा इकबाल भी बहुत सोचते थे। अच्छा जी, नाउ इस वक्त कमरे डेप्शन, अब ऐसे क्या मांग रहे हैं? रिवॉल्यूशन। नाउ ही डोंट वांट टू गो ऑन स्काइज, ही वांट टू गो डीप डाउन इन अर्थ, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन लॉस आ गया। बट प्लीज इफ यू वांट टू गो डीप डाउन इन अर्थ यू नीड टू वार्म अप योर सेल्फ, तो आपको अपने आप को वार्म अप करना पड़ेगा। चलें जी वार्म अप कराने की एंट्री बताएं। 40 को खत्म करें, 31/12/18 की डेट डाल के जब भी ऐसा रिवॉल्यूशन मांगे आप उसे चपेड़ मारें। वार्म अप नहीं होना, वार्म अप कराएं। 31/12/18 जी अकाउंट डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट 40। नाउ वेयर एवर यू वांट टू गो यू कैन गो। एसेट कम हो गया, सरप्लस कम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस बढ़ गया, एंट्री करेंगे एसेट क्रेडिट 110। ओह गुड मैन, रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट 80, प्रॉफिट डेबिट 30। नाउ आई एम गोइंग टू टिक डाउन दोज फिगर्स फॉर विच आई हैव पास्ट जर्नल एंट्री, ताकि जब मैं दो कॉलम डाल लूं तो फिर आपको बात समझ आ जाए कि किस किस की जर्नल एंट्री हुई थी, उसको कैसे तोड़ना है। जी एंट्री बताएं। होल्ड ऑन, देखते रहें। जो रात लेट आए थे मैंने ये रीवैल्यू अमाउंट चेंज कराई है, सवाल में 60 थी 50 करा दिया है। डेप्शन डेबिट अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। अच्छा अगली एंट्री है अकाउंट डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट। अगली एंट्री बोले एसेट डेबिट रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट। अगली एंट्री बोले 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 अभी एसेट रिवॉल्यूशन नहीं मांग रहा, तो पहले डेप्रिशिएट करें फिर रिवैल्यू करें। बोले डेप्रिशिएशन डेबिट रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ओके और रिवॉल्यूशन मांग रहा है अकाउंट डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, देख लेंगे करें ऊपर एसेट क्रेडिट रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट प्रॉफिट लॉस डेबिट। अब वो अगला साल होता ना तो ये लॉस की भी रिवर्स करके वो जो 10 वाली फिगर क्लास में एक आ रही थी उसी से फिगर आती, वो अगले साल आएगी, वो अब मैंने अगला साल डाला ही नहीं अभी, तो इट्स ओवर। नाउ मैं ये चाह रहा था कि कल मुझे फील हुआ था थोड़ा हम तेज चले हैं, तो आज हम बड़े जल्दी फ्री हो गए हैं ये करके, तो आज हम वही कल वाला सारा काम कर लेते हैं। करंट टैक्स की वर्किंग कर लेते हैं, डेफर टैक्स की वर्किंग कर लेते हैं, डेफर टैक्स का टी अकाउंट बना लेते हैं, नोट बना लेते हैं, जो आपको पसंद होगा वो बना लेते हैं, बिरयानी बना लेते हैं। ओके चलें जी इट्स ओवर। ये ब्लू से जनरल एंट्रीज हुई हैं, ये आपने क्या करते हुए की है? एज्यूमिंग दैट नो टैक्स रेट इज गिवन इन
क्वेश्चन एंड यू आर सिटिंग इन FR1 क्लास एंड यू आर मुन्ना. नो यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड. अब आप बड़े हो गए. नो यू आर इन FR2 क्लास. इन FR2 क्लास आई विल नॉट टेक डाउन दीज थ्री फिगर्स 1, 2, 3. रादर आई विल पिक अप दिस कॉलम एंड स्प्लिट इट इन 30-70. इसको मैं 30-70 में स्प्लिट कर दूंगा. अब टैक्स रेट सवाल में दिया हुआ है तो ये बात माने कि आपका 100 में पूरा हिस्सा नहीं है. 100 में किसी और का भी हिस्सा है. ये सरप्लस आपका नहीं है सारा एंजॉय करने के लिए. समवन हैज द राइट. किसी और का भी हक है इस सरप्लस के अंदर. अब क्या किया था मेरे भाई, कल सरप्लस के कॉलम को स्प्लिट करके 2 में ब्रेक कर दिया था. तो अगर मैं आज के सवाल के रिक्वायरमेंट पर आऊं कि जनरल एंट्रीज करनी है तो मैंने जनरल एंट्रीज गलत की है क्योंकि सवाल में क्या गिवन था, टैक्स रेट गिवन था. चलें जी अब कल वाला सारा काम करते हैं. शुरू कराएं, ट्राई करें, आप ट्राई करें 2 कॉलम डाल के पूरे. वेरी सिंपल. इंश्योर करने इसके आगे क्या आ रहा होगा, इसका 30-70, इनके आगे इसका 30-70, हर फिगर का 30-70 सामने आना चाहिए बस.
टैक्स ऑन सरप्लस नेट सरप्लस कितना, अब समझे बात को, सिर्फ इस कॉलम पे देखना है, सिर्फ इस कॉलम पे, ना इस पे देखना है ना इस पे देखना है, हमेशा कितना सरप्लस आया 100, इस 100 में से डेफर करके गवर्नमेंट का हिस्सा और कुछ हमारा हिस्सा, 100 × 30 आजकल कितना आ रहा है 30, 100 × 70% 70, अब कुछ जरूरत नहीं, इस 100 को कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार याद रखिएगा, इस कॉलम की हर फिगर 30-70 ही होती है, करने की जरूरत नहीं, ऊपर बैलेंस ही निकल आई है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना इस कॉलम की कोई फिगर 30-70 ना हो आगे। अच्छा जी, 20 डेप्रिसिएशन, इसको 30-70 करें, 14, ओके, मैंने माना कि 80 का ही 30-70 होगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल लें, 30, 80 पकड़ना है जी, 56, 0, अब देखें, ये टाइम देखने का है, टाइम पे आए हो बड़े, ये टाइम देखने का है, इसको हटा के 30 और 70 की एंट्री होगी, इसको हटा के, अच्छा 6 की एंट्री नहीं होती, वो डीटीएल अकाउंट में ऑटोमेटिकली कुछ हो जाता है, इसकी एंट्री होगी, इसको मिटा के इसकी और इसकी एंट्री होगी, ओके, ये जो डिप्रिसिएशन के सामने वाला है ना टैक्स, इसकी एंट्री आपने कभी नहीं करनी है, डीटीएल अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाती है। नाउ जो स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन, स्क्रीन के सामने कभी कभी ऐसे पार्टिकल बनते हैं और सारे डिसॉल्व हो जाते हैं, समझ लीजिए कॉलम सारा वो पार्टिकल्स बने, जर्रे जर्रे हुए, जैसे पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, हो सकते आपकी जिंदगी में ही हो, रेजा रेजा, ये कॉलम सारा का सारा एग्जिस्टेंस लूज कर गया आपने, दज्जाल के फितने से बचने के लिए आप जुम्मे को सूरह कहफ तो पढ़ते ही होंगे, ओके, तो ये एसेट वाला कॉलम आ गया, ये प्रॉफिट लॉस वाला कॉलम आ गया, ये टैक्स ऑन सरप्लस वाला कॉलम आ गया, और ये नेट सरप्लस वाला कॉलम आ गया। अब जनरल एंट्रीज वही, लेकिन अब मैं करूंगा पहले साल 2017 यकम जनवरी 17, बोले जी एंट्री, एसर के को नाम शाम लिखा है, प्लांट, प्लानट डेबिट कैश क्रेडिट, जी कितने से 120, नेक्स्ट 31/12/17 डेप्रिसिएशन डेबिट, जी कितने से 20 से, आज आपको ज्यादा अच्छी उम्मीदें समझ आई होगी, बिकॉज पहले हमने पुराने तरीके से किया, फिर हमने दो कॉलम डाल के उनको स्प्लिट किया, ओके, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, तो एंट्री तब की थी जब टैक्स रेट्स गिवन नहीं थे, अब तो सवाल में क्या गिवन है, टैक्स रेट, अब ये एंट्रीज करते हुए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, एज्यूमिंग टैक्स रेट इज गिवन इन क्वेश्चन, एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट लायबल फील करें, फ्यूचर में डेफर करके कभी टैक्स देंगे जब ये एसेट बिकेगा, एसेट डेबिट डीटीएल, अच्छा मैं इधर कंसिस्टेंसी के लिए एक जगह छोड़ रहा हूं, पता नहीं क्यों, शायद वक्त आए तो आपको पता चल जाए,
ऐसी कॉन्सिस्टेंसी के लिए अगले साल की एंट्रीज के लिए मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं इधर, किसी वजह से, शायद वजह पता चल गई हो। 31, 12, 17 एसेट किसके लिए तैयार है? एसेट वॉन्ट टू गो ऑन स्काइज, एसेट रिवेल्यूएशन के लिए तैयार है। प्लीज बी ऑन अर्थ एंड वार्म अप योर सेल्फ। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 20। अकाउंट एब्सेंट डेबिट एंड प्लांट क्रेडिट जी 20। यह एसेट क्रेडिट। नाउ कम एंड गेट योर सेल्फ रिवेल्यूड बाय अस फ्री ऑफ कॉस्ट। एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट, सरप्लस क्रेडिट। और रिवेल्यूएशन, रिवेल्यूएशन ऑलवेज डिमांड टू एंट्रीज। डेप्रिसिएशन विल डिमांड टू एंट्रीज व्हेन देर इज एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। देर इज नो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। 120 / 6 = 20 बस। ओके, जी हर गाय ये बताए, हर गाय आज बोले क्या अगले साल एसेट खरीदा जाएगा? आ जाओ, ये भाई ने आपके लिए जगह रखी हुई। जी बोले, क्या एसेट अगले साल खरीदा जाएगा? चले जी शुरू करते हैं। 31, 12, 18 ये 40 डेप्रिसिएशन डेबिट, अकॉमोलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी हाउ मच? 40। डज इट इंक्लूड एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन? यस इट्स से आई इंक्लूड एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। इट्स कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इट इज 20, बट मैंने 20 की एंट्री नहीं करनी, 6 और 14 की अलग अलग एंट्री करनी है, बट 6 की नहीं करनी। 6 की डेफर टैक्स के टी अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, नजर आए ना आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन डेफर टैक्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। 14 की एंट्री करनी है। बोले, रिवेल्यूएशन, सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, कितने से? 14 से। अब आपको समझ आ गया मैंने इधर क्रॉस क्यों लगाया था। फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्सिस्टेंसी, एंट्रीज आमने सामने नजर आए हर साल। अगले साल ऐसे कहते हैं मेरा मूड है फिर रिवेल्यू होने का, ठीक है ना? ये रिवेल्यू उत्तरी है। नाउ द ओनर ऑफ द बिजनेस विल वीप फ्रॉम दिस साइड टुडे। परेशान हो जाएगा, क्यों हो रहे रशीद, क्यों हो गया? ना ना करे, गल ना करे यार, मेरे ना 160 वाला एसेट में जाते चला गया। रशीद खलो जा यार, छठ परे यार, दुनिया नहीं जानी है। चलो ठीक है यार, तुम कहते हो तो ठीक, रुमाल लेके आओ। चलें जी, एसेट को रिवेल्यू नहीं करना, रिवेल्यू करने से पहले वार्म अप। आजो भाई, ले आओ एसेट को, एसेट वर्जिश करो, 5 मिनट वार्म अप हो जाओगे, उसके बाद तुमने डंबल। अच्छा जी, अकाउंट एब्सेंट डेबिट प्लांट क्रेडिट। कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 20 तो पिछले साल खत्म हो गया था, बैलेंस तो 40 पड़ा हुआ है। नाउ वी विल स्टैंड ऑन 31, 12, 18 एंड वी विल पास अ हिस्टोरिक एंट्रा। बोले, एसेट पीएनएल डेबिट, डीटीएल डेबिट, जी 31, 12, 18 बोले पीएनएल नहीं, इसको तरतीब से चलाया करें। जी एसेट क्रेडिट कितने से? 1 जी आगे
पीएनएल डेबिट कितने से? कोई लायबिलिटी नहीं है, अब कोई गेन नहीं आना, कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना हमने इस पे डेफर करके जी, क्योंकि एसेट पे लॉस आ गया और सरप्लस को खत्म करें किताबों से जी। 56 आज टेमो टाइम फारिग हो गया हम एंट्रीज करके। ओके नाउ यू कैन वॉच वॉच इट इज डन। एसेट खरीदा नहीं जाता हर साल, देखते देखे रहिएगा। डेप्रिसिएशन एक और एंट्री पैदा करती है, लेकिन जब उसमें नॉर्मल हालात से ज्यादा डिप्रिसिएशन पड़ी हो, डिप्रिसिएशन की एंट्री तुमने डिप्रिसिएशन तुमने एक और एंट्री क्यों नहीं पैदा की? हो मैं सादा हालात में हूँ। हाँ ये डिप्रिसिएशन में एक्सेप्शन 20 की पड़ी हो, लेकिन वो 20 इसलिए नजर नहीं आ रहा कि टैक्स के कॉन्सिक्वेंसिस भी आपने डाले हैं। और रीवैल्यूएशन हमेशा एक एंट्री को अपने साथ लिए होगी, इसमें एसेट को आपने बुक वैल्यू पर लेके आना। तो पहली क्लास में अब थोड़ा सा फर्क ये है कि स्टार्ट ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन में किधर रह गया, ये दोनों एंट्रीज ये ऊपर होती थी और ये दोनों एंट्रीज नीचे होती थी, और एंड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन में ये दोनों एंट्रीज उतर हो रही हैं, ये दोनों एंट्रीज थले हो रही हैं। जी वजह भी आपको कल बताई थी चीजों की, देखें 100 का फायदा आया, इसमें यूजर को ये ना बताएं कि सारा 100 आपका है, जब एसेट कभी बिकेगा तो डेफर करके गवर्नमेंट को 30 का टैक्स देना पड़ेगा, हाँ बाकी सरप्लस आपका है, लेकिन अगले साल तो लॉस ही आ गया। अब थोड़ा सा सरप्लस रिटेन अर्निंग में शिफ्ट हो चुका हुआ था 70-14, बाकी 56 का सरप्लस पड़ा हुआ था, इस सरप्लस को आप किताबों से खत्म कर दें। क्यों खत्म कर दें? क्योंकि एसेट पे नुकसान आ गया, इतना नुकसान आ गया सरप्लस खत्म करके भी कुछ नुकसान बचा, उस नुकसान को रिकॉर्ड कर दें, ऑटोमेटिकली वहां से एंट्रीज निकला करेंगी। वो डेप्रिसिएशन के इफेक्ट की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से लायबिलिटी ऑलरेडी कम होगी थी ऊपर वाली एंट्री में। जब एसेट कम होता है एसेट अपनी वैल्यू लूज करता है, जब वैल्यू लूज करता है गेन कम होता है, जब गेन कम होता है तो गवर्नमेंट की तरफ कम लायबल फील करते हैं, वो 6 का लायबिलिटी पहले ही कम हो चुकी है, हम गेन ही कम कर चुके थे, जो गेन हमने रिकॉर्ड किया था उसे कम कर दिया था हमने। जी एसेट डेबिट कैश डेप्रिसिएशन डेबिट रिवैल्यू करने से पहले अकाउंट डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट एसेट डेबिट सर नहीं एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट सरप्लस क्रेडिट डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के सामने वाला टैक्स आपने एंट्री नहीं करनी, वो डीटीएल के अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कभी 6 फेस पे नजर आएगा डीटीएल के अकाउंट में, कभी नहीं नजर आएगा क्योंकि और भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अच्छा जी इस 6 की एंट्री की ही नहीं करनी आपने। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट सरप्लस डेबिट नेक्स्ट रिवैल्यूएशन होगी, लेकिन एक एंट्री पहले होगी अकाउंट डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट नेक्स्ट एसेट पीएनएल डीटीएल डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट।
ओके चलें जी, अब आप बताएं कौन सी वर्किंग करना शुरू करेंगे, करंट टैक्स की डेफर टैक्स की? पहले करंट टैक्स की। खाना हो गया तो बाद में स्वीडिश, स्वीडिश होगी तो बाद में चाय। नहीं, चाय के बाद तो कुछ नहीं, वो भी होता है आजकल, दोबारा खाना। अच्छा, नाउ आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हम में सबसे बुरी बात जो पहली पैदा हुई थी वो पेट भर के खाना। खाना ये ज्यूम करते हो ना, खाया करें, आखिरी दफा खा रहे हैं जिंदगी में। पीपीटी 2018 और 2017 स्प्राइट पीपी के जगह बना रहे थे। अच्छा भाई, अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लेके गए होंगे? लेकिन एक और चीज भी अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट लॉस में लेके गए होंगे, वो मैंने आपको कल बताई थी, वो खुद ढूंढे। इस साल कुछ नहीं, ये चीज भी अकाउंटिंग वाले कहां लेके गए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? किस नाम से? ये जो मैंने रेड में सर्कल कर दिए गाय, ये जो मैंने रेड में सर्कल कर दिए, इनके अलावा सारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, एक भी प्रॉफिट लॉस का आइटम नहीं बचा। देख लें, प्रॉफिट लॉस के आइटम्स मैंने ढूंढ लिए, एसेट एसेट कॉन्ट्रा एसेट कॉन्ट्रा एसेट 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 लाइबिलिटी इक्विटी कॉन्ट्रा एसेट इक्विटी इक्विटी कॉन्ट्रा एसेट एसेट लाइबिलिटी इक्विटी एसेट, सारे बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। बाकी कौन सा बचा? प्रॉफिट एंड। तो इनको रिवर्स करने, ना टैक्स वाले हमारी डेप्रिसिएशन मानते हैं, ना टैक्स वाले रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, इसको रिवर्स करना है और रिकॉर्ड किसे करना है? अच्छा, आपके जहनों में कभी ये ना आए कि जैसे लॉस को रिवर्स कर रहे हैं ऐसे सरप्लस को भी टैक्स वाले कहेंगे रिवर्स करें। असल में हम स्टार्ट ना पीबीटी से करते हैं, हम स्टार्ट पैट और नीचे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम से नहीं करते। अगर हम स्टार्ट टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम से करें फिर शायद सरप्लस को भी रिवर्स करना पड़े, क्योंकि टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में सरप्लस भी पड़ा होता है। इसलिए ये आइटम आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस है। आज एक बहुत बड़ी बात आपको पता चली, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पीबीटी, तो पीबीटी तक तो ऊपर डेप्रिसिएशन पड़ी होगी और पीबीटी तक ऊपर जो है वो लॉस पड़ा होगा, रिवैल्यूएशन का वो लॉस पड़ा होगा बस। तो बस कल क्या सीखा था, किस किस को रिवर्स करना है? डेप्रिसिएशन को, और वो वाला रिवैल्यूएशन लॉस जो पीएनएल में आ रहा है, और वो वाला रिवैल्यूएशन गेन जो पीएनएल में आ रहा है, सरप्लस वाला गेन नहीं, क्योंकि स्टार्ट ही हम पीबीटी से कर रहे हैं। कल वाला काम कराएं जी, पीबीटी थोड़ा इधर हो। अच्छा मैं आ रहा हूं, पहले इधर लिख देना था, चुप रहो। अम्मी आप अगर मुझे बात पहले बता देती। अब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? इस तरह की बातें ना किया करें। ओके, सबर से सुन लिया करें जो भी बात। जी पीबीटी बोले 18 और 17 का 100 100, अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन 20 और 40। अच्छा, टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए एक लाइन लिखी हुआ करेगी पेपर में, वो ढूंढने जरा। सिक्स ईयर स्ट्रेट लाइन बेस पे, सिक्स ईयर जी। टैक्स डिप्रिसिएशन कॉस्ट लाइफ दोनों साल 20, एक चीज और करनी है बस। अकाउंटिंग वालों ने लॉस शो किया हुआ 30 का, हाउ आई कैन रिवर्स लॉस? माइनस करूंगा तो दोबारा माइनस हो जाएगा, ऐड करना पड़ेगा। एड रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्स्ड कितना? 30।
भाई वो जो और एक सवाल चेक करें आपको बताएंगे चेक करके, रास्ते में रहे। ओके जी, अब क्या होगा, डेफर टैक्स का टी अकाउंट पहले बनेगा या पहले डेफर टैक्स की वर्किंग होगी? डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, आज दो साल हैं, खुला खुला करके बना लेते हैं, हमें क्या जल्दी है, हमने कौन सा टेस्ट देने जाने कौन बोले इसरो में से बोले ओके हाउ डेयर ही। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स पीपी कैरिंग अमाउंट, ये ना ये वाली लाइन यहां से उठाया करना है, ये एग्जैक्ट कुछ कुछ बच्चे ये उठाते हैं WDV, नहीं साल के आखिर में रिवैल्यू हो गया, साल क्लोज हो रहे ये रिवैल्यूड अमाउंट उठानी है 200। गलती से WDV नहीं उठा लेनी, कैरिंग अमाउंट एट जीयर एंड उठानी है, कैरिंग अमाउंट एट जीयर एंड इज 200, फिर रिवैल्यूएशन एंड पे करने का फायदा क्या होता अगर रिवैल्यूड अमाउंट नहीं उठानी थी तो? टैक्स बेस स्टार स्टार वन -20 कितना 100। अच्छा ये 200 कहां से आया, वो जो मेन जो वर्किंग है वहां से आया। ओके ऐसे ही आपके लिए कैलकुलेशन शो कर दिया 100 की जी। डिटेल रिपीट दिस वर्किंग कल मैंने जरा शॉर्टकट मारा था, सारे सालों की वर्किंग एक ही उसमें कर दी थी। जी पीपी -100 -20 deferred tax asset
जी जरा अटेंडिव रहिएगा, ऐसे खुशी खुशी जबरदस्त किस्म का डेफर टैक्स अकाउंट बनाने, अटेंटिव रहिएगा। मुझे फील हुआ था कल अकाउंट काफी जल्दी बनाया, तेजी में बनाया। नहीं, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट, क्या ये एसेट यकम जनवरी 17 को खरीदा? यस। क्या 31/12/16 को हमारे पास था? नो। तो यकम जनवरी 17 का, इसलिए ब्रॉड डाउन में जीरो ले सकता हूं, जिस मर्जी साइड पर लिख लें। जीरो कैरी डाउन 30। कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन में बनाए, पहले सारे कैरी डाउन लिख लें। आज तरतीब से नोट करें, पहले यहां तक नोट करें। यहां तक बना के कैरी डाउन को बनाएं, ब्रॉड डाउन यकम जनवरी 18, ब्रॉड डाउन कितना 30। आपकी आदत बिल्कुल बजा, आपकी आदत बिल्कुल बजा कि डीटीई बैलेंसिंग आता है, लेकिन आप यहां पर डीटीई बैलेंसिंग निकालकर नोट बना के देखिएगा, नोट विल नॉट रिकंसाइल। क्यों? आप एक एंट्री इस अकाउंट में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप एक एंट्री इस अकाउंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे दो एंट्रीज की जगह आपने नहीं छोड़ी हुई, मैंने छोड़ी हुई है सीटी डीटी की। कल की क्लास ली थी ना? ओके, पहले बताना था ये क्या बात हुई। अच्छा जी, अब एक एंट्री आप खुद ही कर चुके हुए हैं, वो एंट्री आप मुझे बता दें क्या है। नजर मारे, पहले साल आपने क्या एंट्री की है? बोले बोले एसेट डेबिट डीटीएल, इसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि जब बंदा नरेशन लिख देता है तो बंदे को चीजें समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे नरेशन लिखो डीटीएल क्रेडिट एसेट डेबिट, 100 रुपया लिखो, 30 लिखो, ये सबसे गलत तरीका सोचने का। बेहतरीन तरीका सोचने का, अकाउंट का नाम डीटीएल है, डीटीएल क्रेडिट हो रहा है 30 से, बस 30 को क्रेडिट साइड पर लिख दें, 30 को क्रेडिट साइड पर लिख, वेरी सिंपल, 30 को क्रेडिट साइड पर लिख। जब आप 30 को क्रेडिट साइड पर लिख देंगे तो अब आप मुझे बता दें इधर इधर नरेशन क्या लिख दूं? एसेट। इधर नरेशन क्या लिख दूं? एसेट।
नाउ थर्ड स्टेप इज कैलकुलेट डीटीई बैलेंसिंग. यू आर सुपोज टू कैलकुलेट इट इट बैलेंसिंग. लकीली इट इज जीरो. लकीली इट इज जीरो. ये वो पुरानी बात कि डीटीई को बैलेंसिंग निकालना है. कम हेयर, जस्ट सी व्हाट एंट्री यू हैव ऑलरेडी पास्ड. कम इधर आके देखें. कम 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 डीटीएल डेबिट कितने से? 24 से. ये तो लॉजिक नहीं सोचनी. जो लॉजिक सोचानी है मैं खुद सोचाऊंगा. स्टिक ऑन स्टेप्स. भैया दोनों दोनों पांव रखें या दोनों ही? मैं परेशान हो रहा हूं. रेड और ब्लैक कट्ठे पहने में जूते. अच्छा जी, ये पता नहीं क्या हो गया, नया फैशन आ गया. फैशन तो नए नए आते रहते हैं. ओके बोले जी, डीटीएल डेबिट एसेट क्रेडिट. लेकिन हमें एसेट से कंसर्न नहीं, डीटीएल डेबिट 24 से. डीटीएल डेबिट 24 से कितना आ गया? क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं? एसेट. आई शुड हैव यूज्ड रेड मार्कर बिकॉज आई एम यूजिंग रेड मार्कर फॉर द एंट्री डेट इज ऑलरेडी पास्ट. जी कितना? 24. नेक्स्ट, कैलकुलेट डीटी बैलेंसिंग. ओके, डीटी बैलेंसिंग. ओके, ओके ना जी. एक मिनट में सवाल लेता. यू आर यू आर नॉट सुपोज टू थिंक कि छह की एंट्री क्या हुई. आपने ये नहीं सोचना छह की एंट्री क्या हुई. अगर आप डीप डाउन जाना चाहते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि छह की एंट्री क्या हुई, फिर बात यहां खत्म नहीं होगी, फिर बात यहां से शुरू होगी. अब इसमें ये जो 15 आ रहा है, 15 ये 15 क्यों आ रहा है? इसमें एक वजह है ये 30 की. आपको पता है डीटी इधर से ऐसे भी निकल आता होता ना ऐसे भी. ठीक है, अब ये बिल्कुल नहीं सोचना, ये नहीं करना जो मैं आपको कराने लगा हूं. ये 15 कैसे आ रहा है? ये जो 15 इस साल हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ है वो एक इस 30 की वजह से है और एक इन दोनों के डिफरेंस की वजह से है. ठीक है, अकाउंटिंग और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में इख्तलाफ है. ये पहला इख्तलाफ है हमारे और टैक्स वालों में. दूसरा इख्तलाफ हमारे और टैक्स वालों के अंदर यह है कि ये वाला जो 30 है इसकी वजह से मसला आ रहा है. अच्छा, पहला इख्तलाफ हमारे और टैक्स वालों में 40 और 20 की वजह से पैदा हुआ. पहला इख्तलाफ हमारे और टैक्स वालों में किस वजह से पैदा? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो 6 को घूरेंगे. यू मैन वेयर आर यू? आपकी जनरल एंट्री नहीं हुई. ठीक है, अब पहला इख्तलाफ हमारे और टैक्स वालों में 40 और 20 की वजह से हुआ. वो जो पहला इख्तलाफ है उसके ये टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस 40 माइनस 20 इंटू 0.3. ये 6 का पहला इख्तलाफ हो गया, ये इस साल हुआ है. दूसरा इख्तलाफ हमारे और टैक्स वालों के दरमियान इस 30 की वजह से हुआ. 30 इंटू 0.3 डेट कम्स टू 9. 9 जमा 6 15. 9 जमा 6 ये इस साल हमारा और टैक्स वालों का इख्तलाफ है. अब आप कहते हैं जी मुझे 6 की एंट्री दिखाएं. हाउ कैन आई, मैं कैसे 6 की एंट्री दिखाऊं? 6 की तो एंट्री इसके अंदर हिडन है. और समटाइम्स दोनों को जमा नहीं करके आ रहा होगा, समटाइम्स ये नेगेटिव होगा, तो फिर थोड़ा सा इधर पड़ा होगा, तो फिर नेट करके निकाल के मुझे साबित करना पड़ेगा. बट हाउ मैं क्यों प्रूव करूं इस बात को, क्यों इस चक्कर में पढ़ूं? मैंने आपको कहा है जब भी डेप्रिसिएशन के सामने वाला टैक्स, इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी. बस रिवेल्यूशन सरप्लस डेबिट रिटर्न डेफर्ड टैक्स अकाउंट में ऑटो मैटिकली 6 की एंट्री हो जाएगी. ये 6 की एंट्री देख लें क्या होनी है. डीटीएल डेबिट माने अभी डीटीएल क्रेडिट किया था ना 30 से, तो डीटीएल डेबिट 6 से. मैं डेबिट ही कर रहा हूं 6 से. इस 6 में 15 कोई और भी है, इस 6 में 15 कोई और भी है.
तो इसलिए प्लीज तरीका क्या होता है कि अगर डीटी को चेक करना है तो सिर्फ इस साल के डिफरेंसेस देख लें, इस साल एक फर्क डेप्रिसिएशन की वजह से है, एक फर्क 30 की वजह से है, ठीक है ओवर। ये बात आपके लिए बिल्कुल इररिलेवेंट थी, ये बात उन लोगों के लिए की थी जो ये सोचते हैं 6 की एंट्री क्यों नहीं होती, नहीं करनी 6 की एंट्री। अगली बात इंपॉर्टेंट है, आपको एक अप्रोच सिखाई हुई है, वो वैसे ही बीच में बात आ गई, आपको एक अप्रोच सिखाई हुई है कि डायरेक्ट भी पता चल जाता है डीटी सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। उस अप्रोच से देखें जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट 100, डिफरेंस जीरो पे, ये करंट है, ये करंट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, डिफरेंस, टैक्स, ये डायरेक्ट भी निकल सकता था जीरो, ये डायरेक्ट तरीका सिखाया हुआ ना, जागते रहना भाइयों। अच्छा जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट 150, डिफरेंस 50, 50 का 30%, 15, ये डायरेक्ट तरीका भी सिखाया हुआ, लेकिन डायरेक्ट तरीके की जरूरत नहीं। यहां तक अप्रोच सारी समझ आ गई, और इस बात का जवाब भी हाथ खड़ा करें मिल गया कि 6 की जर्नल एंट्री नहीं होनी, क्योंकि 6 की जर्नल एंट्री किसके अंदर हिडन है, इसकी आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, इसकी टीचर ने फिक्र कर ली हुई है खुद ही, बस आपको ये याद करा दिया कि इसकी आपने जर्नल एंट्री नहीं करनी। नाउ जो कल एंट्रीज मैं नहीं कर सकता टाइम ना होने की वजह से, बल्कि मैं बताना भी भूल गया था जाते हुए कि घर में जाके सीटी डीटी की एंट्रीज करनी है, वो एंट्रीज अब करने का टाइम आ गया जी। एंट्री कराएं 30 और 45 की, सीटी डेबिट कितने से, सत्रह जी, भाई ये रेड मार्कर वाली एंट्री हो चुकी है, रेड वाली, अब कौन सी रह गई है, ब्लू वाली। ऐसे समझने के लिए कर रहा हूं, जीरो, ये एंट्री पेपर में नहीं करनी, ये जीरो, 15 की जी, डीटीएल डेबिट जी 15 हो गया, मैं आपको आपका काम कहा, अपना जाति काम कोई नहीं कहा, जल्दी करें नोट बनाएं।
ओके, पहले ये सीटी दोनों पोस्ट करने हैं 30 और 45। नेक्स्ट डीटीई डेबिट डीटीएल क्रेडिट, डीटीएल डेबिट डीटीई क्रेडिट फायदा। ओके पीबीटी सीट बेल्ट, बेल्ट सीट, टैक्स रेट 30%, टैक्स ग्रेट जबरदस्त माशाल्लाह 32। अब अजीब और गरीब बच्चे क्लास को बताते हैं, अगर इस सवाल में रेट चेंज हो जाए, इस साल 30 है अगले साल 33 हो जाए, हो जाए भाई, तो 30 को 30 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 यहां लिख देना, और क्या करना है तुमने, तुम्हारे से एक्सपेक्टेड भी ऐसे नहीं, नहीं अच्छे बच्चे थे। हाँ तो इस साल अगर रेट 30% है और अगले साल रेट कितने परसेंट हो जाए 33, तो क्या कहा था, ओपनिंग क्या पड़ी हुई है लाइबिलिटी, ओपनिंग क्या पड़ी हुई है 33 को किस पे लेके जाना है 33 पे, तो 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ऑटोमेटिकली इधर 3 आ जाएगा, वो डीटीई होगा, वो डीटीई होगा, एसेट उसी तरह आएगा, बाकी डीटीई बैलेंसिंग उसी तरह आएगा, तो रेट चेंज का इफेक्ट किसी भी सवाल में रिकॉर्ड हो सकता है, ब्रॉड डाउन को चेंज करना होता है, बस ओपनिंग को चेंज करना होता है। ओके नाउ वी विल spend our precious time in revising the note of tax, no, in revising the note of IAS 16 का जो नोट FR1 की क्लास में बनाया था उसको बनाएंगे हम। ये टैक्स का नोट है। अच्छा इस सवाल से लीज का नोट भी बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, एक बार याद रखिएगा, जब भी आपने कभी IAS 16 का नोट बनाना हो ना, तो आपके लिए ये सारा इरेलेवेंट है, ये सारा इरेलेवेंट है, या ये 16 का नोट बन जाएगा। यहां में पढ़ा ओके, या ये 16 का नोट बन जाएगा। जनरल एंट्रीज बताते रहे, कैश क्रेडिट, प्लीज इन्वॉल्व हो, सीए करें, यू आर बिकमिंग सीए, यू आर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अमंगस्ट 10,000 पीपल इन दिस पाकिस्तान। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट, अगली एंट्री accumulation debit, asset debit, बस, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाएंगे इंशाल्लाह, asset debit बस, depreciation debit भी छोड़े, accumulated depreciation credit, accumulated depreciation credit, जी फिर दोबारा warm up, accumulated depreciation debit, asset, एसेट क्रेडिट, दो अकाउंट्स को, कितने अकाउंट्स को, दो अकाउंट्स को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना, इट इज कॉल्ड एज नोट ऑफ IAS 16, दो अकाउंट्स को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना, इट इज कॉल्ड एज IAS 16। बोले IAS 16 का नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो दो अकाउंट्स की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन है, एसेट और अकाउंटेशन अकाउंट। अब बोले नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो चले जाना है, हमने कब्र में चले जाना है, इसने पीछे रह जाना है, सबने कब्र में चले जाना, नोटों ने पीछे रह जाना है, नोट तो IAS 16 का भी कुछ नहीं है, ये तो एसेट और अकामोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की
स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट बोले, कुछ ओ लेवल्स वाले बैठे हैं उनकी प्रेजेंट बोले, प्रेजेंट ना बोले। ओके करें एक दो मिनट बातें करें, फिर नोट तो ऐसे ही बन जाएगा, रिलैक्स करें जरा। एफआर वन की बातें करें, इंट्रो की बातें करें, क्या चीज वो अभी बनाने लगा हूं ना जी। आपका क्या सवाल था? अगर नहीं मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे, सोल्यूशन वो देते ही नहीं उस पैटर्न पे। भाई इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन टॉपिक, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन जनरल एंट्रीज, तो फिर ये नोट आइए 16 वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फोकस करते रहें, प्लीज प्लीज तो थोड़ा सा फोकस कर लें। मैं आपकी जिंदगी के 5 मिनट मांग रहा हूं। ओपनिंग, एडिशन, बस अब इसको छोड़ दें अपने हाल के ऊपर। और 17 पहले बता दें, 1 जनवरी 17 को, सॉरी 31/12/16 को ये एसेट हमारे पास पड़ा था, तो 17 का ओपनिंग पूछ रहा हूं जो 16 का क्लोजिंग था, कितना? 0। अब पोस्टिंग करना शुरू करें, बोले। अच्छा अब एंट्री आपने मुझे पूरी बोलनी है, लेकिन एंट्री बोल के ना, एंट्री बोलने के बाद आपने सिर्फ सोचना यह है कि एसेट और अकाउंटेशन का अकाउंट कब यूज हुआ है। चलें जी, पहली एंट्री करें, एसेट डेबिट कैश, लीव द लव्स कैश, एसेट डेबिट जी बोले। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लीव द वर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से कंसर्न नहीं है, जस्ट से द सेकंड वर्ड
accumulated depreciation बढ़ा दो, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट का मतलब उर्दू में accumulation बढ़ा दो, क्रेडिट बोलें, accumulation बढ़ा दो, किस वजह से accumulated depreciation बढ़ा दो, नोट नहीं करना, मैं रिपीट करूंगा इसको। हो भाईजान की हो गया, रीवैल्यू हो रहे हो, पहले वार्म अप हो जाओ, वार्म अप होने की एंट्री बताएं, accumulated depreciation debit, accumulated depreciation debit, asset credit transfer, transfer, transfer to from छोड़े, transfer accumulated, अच्छा आप देखें the beauty of note, the note is showing asset at 100 now, now it is ready for revaluation, no accumulated option, बोले asset debit, बस surplus छोड़े, सरप्लस मैंने लिखे हैं, एसेट डेबिट, डेबिट कितने से, नेचर बता दें, नेचर, नेचर क्या थी, ये नेचर है, ये नेचर है, ये वो एसेट डेबिट वाला चक्कर नहीं, ये नेचर है, इट्स ओवर, इट्स ओवर जी। सो आई एम सेइंग मैंने सिर्फ ये डेबिट फेंकने, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट में से किसे उठाना है, ये प्लांट लिखना चाहिए था यहां पे, अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज इधर ना रहे, मैंने आपको क्या हिंट दिया है, दिस कॉलम वुड बी इनफ फॉर आईएस 16, यू नीड टू रिवाइज आईएस 16 नोट, बिकॉज आईएस 38 इंटेंजिबल्स में ये नोट आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए आईएस 16 वाला नोट एफआर 1 वाला आना चाहिए, एंट्री बताएं, एसेट बढ़ा दो कैश कम कर दो, बोले बोले बोले, एसेट बढ़ा दो एसेट बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस छोड़े, ये वाला ये वाला ये वाला अकोमोडेशन बढ़ा दो, हां नेचर बता दे, उधर ना देखें साथ साथ, पूरी एंट्री क्यों देख रहे हैं, शॉर्टकट, वार्म अप, वार्म अप, वार्म अप की एंट्री बताएं, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, फाइनल प्रिंट निकाल के लाओ, ठीक है बैठे, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, नरेशन जो मर्जी लिखें आप यहां पे, ये आपकी मर्जी, एंट्री में प्लस माइनस सही होने चाहिए, एसेट बढ़ा दो कितने से, नेचर जो मर्जी लिखिए, रिवैल्यूएशन, इट्स ओवर नाउ, क्लोजिंग जी, इसको देख के नोट नहीं करना, ओपनिंग ओपनिंग लिखें 00, फिर यहां से खुद देख के नोट करें, निरेशन जो मर्जी लिखते रहें, एंट्री की साइड से ही पोस्ट होनी चाहिए, प्लस माइनस का साइन गलत नहीं रखना चाहिए, टाइम लगेगा कॉपीज में, जल्दी करवाओ,
ना भाई एंट्री ना देखे आप, जिस तरह मैं सुन उधर देखो फॉर्मेट, वहीं से एंट्री बनाओ। हाँ एंट्री से देखो, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ट्राई द नोट ऑफ 18 योरसेल्फ। आसान महसूस हो रहे, आसान महसूस हो रहे, सिर्फ जनरल एंट्री करें और जनरल एंट्री करते ये लफ्ज ना बोलें, रिवेल्यूशन लॉस डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, इस तरह के लफ्ज ना बोलें। लफ्ज कौन सा ढूंढे एंट्री में, एसेट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिस एंट्री में वो लफ्ज सारा उसे पोस्ट कर दें। जी क्लोजिंग को क्या बनाएंगे, शुरू करें जी। शुक्र है फॉर्मेट बना हुआ है। मेरा हिम्मत करके एंट्री बताएं इसकी 40 की। भाई मैंने बड़ा सोच के ना अगले कॉलम सारे मिटाए हैं, क्योंकि मुझे पता है अगले कॉलम्स में कोई एसेट और कमेंडेशन अकाउंट का लफ्ज ही नहीं आता, इसलिए सोच के मिटा दिए कॉलम। जी बोले 40 की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट। आपको एंट्री की कौन सी वाली साइड से इस वक्त कंसर्न है, अब कम हो कोई, कुछ लोग इधर डेप्रिसिएशन का लफ्ज देख के समझते हैं धोखा है, ये धोखा है ना 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 ना, आपको कौन सी वाली साइड से कंसर्न है, क्रेडिट वाली साइड से। डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ाओ कितने से 40 से। जी ओए की हो गया, फिर रिवेल्यू होने, शर्म नहीं आती तीनों शौकत, वार्म अप हो, चल आसमान पे जाओ, वार्म अप वार्म अप वार्म अप। अकमुलेटेशन डेबिट एसेट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, नो एडिशंस। बोले एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, आप एंट्री पूरी करने में लगे एसेट क्रेडिट सरप्लस डेबिट लॉस डेबिट, छोड़े मरे एसेट क्रेडिट, सिर्फ यहां से देखनी है एंट्री बस, नोट बारो बार बन जाएगा टॉप और टॉप। ये क्या होता है, ईयर एंड रिवेल्यूशन पे ये क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि एंड पे रिवेल्यू हो रहा है ना, तो वो ट्रांसफर हो गया, कितना आ गया 50। अच्छा वैसा करें कि आप हजरात ये बात देख लें, ये आपके लिए चेक भी है, ये देखें ये क्लोजिंग लाइन है साल की, ये क्लोजिंग लाइन, यहाँ 200 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, यहाँ 200 आ रहा है, यहाँ से चेक हो जाया करेगा, नोट आपका सही बना। उर्दू में लिख लें, IS-16 का नोट बनाने के लिए इस वर्किंग का सिर्फ पहला कॉलम रेलिवेंट है, IS-16 का नोट बनाने के लिए इस वर्किंग का सिर्फ पहला कॉलम रेलिवेंट है, इस वर्किंग कहीं और हुई भी है, लिख कहीं और रहे हैं, इस भी लिख रहे हैं, फिर उस लिखें अगर किसी और पेज पे लिख रहे हैं, तो घर जाके ढूंढ रहे होंगे इस वर्किंग कौन सी वाली, करंट टैक्स वाली कही थी नहीं, डेफर टैक्स वाली वर्किंग कही थी नहीं, पता नहीं कौन सी गई थी। IS-16 का नोट बनाने के लिए बोले हाँ, इस वर्किंग का सिर्फ कौन सा कॉलम रेलेवेंट है, एसेट वाला कॉलम। बोर हो गए चले छोड़ो, वो उससे पूछ के कॉपीज कितनी देर में आ रही है, बंद कर दें, ओके फिर मैं बताऊंगा रिज्यूम करना है।